लगता है कि आप सोचते तो हो लेकिन वैसा होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है, क्या कारण है जो ये सक्सेस की, कि सक्सेस क्यों नहीं हो पाते और क्यों हो पाते? विचार यानी मन, हमारा भाव, हमारा उस टाइम भाव कैसा है, हमारी बुद्धि और हमारा एक्शन, ये चारों का जब संगम होता है तब सक्सेस की कहानी लिखी जाती है। विचार आ गया आपको लेकिन भाव नहीं आया, भाव गलत है, आपका विचार सही है कि मुझे इस बिजनेस से लखपति होना है, करोड़पति होना है, आप एक ही दिशा में सोच रहे, लेकिन भाव में प्रॉब्लम है। बुद्धि कह रही है कि यार ये फालतू चीज है, बुद्धि क्या कह रही है आपकी, ये फालतू चीज है, बुद्धि कह रही है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बुद्धि में संशय रह गया। विचार सही है, आपका भाव भी सही है, लेकिन बुद्धि में दिक्कत है। इस बुद्धि का जो इलाज है, इस बुद्धि का कोई इलाज नहीं है, पहली बात तो समझिए, ये बुद्धि बड़ी लाजवाब चीज है, जो आपकी इंसान की बुद्धि होती है वो अपनी बुद्धि सारी लगा करके सही गलत का निर्णय करता है, और सही गलत कुछ होता नहीं, जब हो जाता है, अगर आप सक्सेस हो गए तो सही कहलाते, नहीं होते तो गलत कहलाते। सही अनसक्सेस वही आदमी होगा जिसका विचार, मन, भाव और बुद्धि और एक्शन ये सारे एक सीध में नहीं है। आपका विचार ले जा रहा है नेटवर्किंग की तरफ, बुद्धि ले जा रही है दूसरी तरफ, तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे आप? आप ऐसा समझिए कि एक आदमी जैसे शराब के नशे में चल रहा है सड़क के ऊपर, कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है, कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है, पहुंचना उसको घर है, पहुंच जाता थाने। विचार सही है, आपने मन में धारण भी कर लिया, भाव भी सही है, एक्शन भी ठीक है, सब मिलती है सफलता। ये बात बुद्धि समझ लो, आप जैसे बीवी होती है ना, बीवी हर काम में वो टांग अड़ाती है, ऐसे ही टांग अड़ाती है हमारा जो